नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज़ की। आप सभी को पता है DED स्पेशल एजुकेशन IDD के जितने भी हमारे छात्र हैं, इनका भैया पेपर नंबर 6 है ये, और ये पेपर आपका जो ये पेपर होगा, आपको पता है कि नेक्स्ट संडे यानी कि 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट 1 पर बात करते हैं, ऐसे ऐसे हम पढ़ते हुए यूनिट 5 तक भैया अपना कवर कर लेंगे। और यूनिट 1 जो है आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, यूनिट 1 आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहोगे सर 1.1 और 1.2, तो भैया ये मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन आपसे हमेशा यहीं से पूछा जाता है, और आप लोग गलत भी करते हो। या तो आपसे कह देगा कि आप सीखने के चरण लिखिए, सीखने के चरण लिखिए, या तो आपसे कह देगा शिक्षण के सिद्धांत लिखिए, शिक्षण के सिद्धांत, या तो सीखने के चरण या तो शिक्षण के सिद्धांत। तो जब भी सीखने के चरण आपको लिखने होंगे, तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, स्टेजेस ऑफ लर्निंग आप ये कहोगे। और शिक्षण के सिद्धांत में आप क्या कहोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो सीखने के चरण की जब भी बात आएगी, तो आप लिखोगे इन 4 चरणों को, जो कि आपके होंगे अर्जन, आपका अनुसरण, या हम लोग कह सकते हैं अनुसरण, या हम लोग इसी को कह सकते हैं भैया रख रखाव। क्या कहेंगे, रख रखाव, अर्जन, अनुसरण, और इसके बाद में आपका प्रवाह और सामान्यीकरण। यानी कि इक्विस्टेशन, आप कहोगे मेंटेनेंस, इसको कहोगे आप फ्लुएंसी, और इसको आप कहोगे जनरलाइजेशन। तो ये आपका अर्जन, अनुसरण, प्रवाह और सामान्यीकरण। जब भी आप कहेगा, आपसे कहेगा स्टेजेस ऑफ लर्निंग, सीखने के चरण, तो आप इन 4 चरणों को ही लिखोगे। अब ये 4 चरण के अंतर्गत आप क्या क्या लिखोगे, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, और इसके बाद में हम लोग सीखने के सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे। और इन दोनों यूनिटों को आप 3 स्टार बना करके इम्पॉर्टेंट बनाइएगा, 90% आपके एग्ज़ाम में ये पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये आपका अर्जन क्या होगा, तो हम कहेंगे इसमें जो भी बच्चा होगा उसको क्या किया जाएगा, एक नए कार्य से उसको क्या किया जाएगा, परिचित कराया जाएगा, नए कार्य से उसको परिचित कराया जाएगा। और नए कार्य से परिचित कराने के बाद में इसमें जो शिक्षक होगा, क्योंकि हमारे जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, ये सीखने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, बहुत बार गलतियां करते हैं, इनको हम बहुत बार दोहरा करके सिखाते हैं, तो शिक्षक का कार्य क्या होगा, शिक्षक बच्चे को बार बार इस क्रिया को सिखाएगा, बार बार इस क्रिया को सिखाएगा, जिससे कि बच्चा उस क्रियाकलाप में निपुण हो जाए। इसमें टीचर और बच्चे के बीच जो वार्तालाप है, उसकी आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है।
इस चरण के दौरान छात्र शिक्षक की उच्च स्तरीय बातचीत आवश्यक है, क्योंकि नया कार्य सीखने में बच्चा ज़्यादा समय ले रहा है और छात्र और शिक्षक का जब बढ़िया से वार्तालाप होगा तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। कहने का मतलब कि नई क्रिया से परिचित कराना, उस क्रिया को बच्चे को सिखाना और टीचर और छात्र के बीच अच्छा वार्तालाप होना, ये आपका अर्जन के अंतर्गत कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आपके अनुसरण के अंतर्गत। अनुसरण में हम लोग इसको कहते हैं रख रखाव भी कह सकते हैं, या हम लोग इसको मेंटेनेंस भी कह सकते हैं। तो आपका अनुसरण या रख रखाव या आपका मेंटेनेंस क्या है, तो कहेंगे जो भी क्रिया बच्चे को सिखाई जा रही थी, क्योंकि हमारे ऐसे बच्चे जो बौद्धिक अक्षम बच्चे, इनमें भूलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो रख रखाव में या अनुसरण या मेंटेनेंस में क्या होगा कि जो भी कौशल बच्चे को सिखाया जा रहा होगा वो कौशल बच्चा बनाए रखे, वह कौशल बच्चा बनाए रखे यानी कि उसको याद रखे। और याद रखेगा क्यों? क्योंकि आगे का जो भी बच्चे को कौशल सिखाया जाएगा, जो भी नेक्स्ट स्टेप बच्चे का सिखाया जाएगा, उसमें उसको प्रशिक्षण मिलने में क्या मिलेगी, उसको प्रशिक्षण में क्या मिलेगी, वहाँ पर भैया मदद मिलेगी। इसलिए आपका मेंटेनेंस यानी कि अनुसरण बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बच्चे को सिखाए गए कौशल को बच्चा बनाए रखे और आगे के कौशल में बच्चे को मदद मिल सके, इस स्तर पर बच्चे का हम लक्ष्य प्राप्ति करवा सकते हैं। इसके बाद में तीसरा स्टेप आपका आता है फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह। हम कहते हैं कि जो भी कार्य कौशल बच्चे को कराया जा रहा है, जो भी कौशल बच्चे को सिखाया गया, अब बच्चा बिना भूले हुए बिल्कुल सही ढंग से उस कार्य को प्रवाह के साथ में कर सके, फ्लुएंसी के साथ में कर सके, बिना रुके हुए। जो चरण बच्चे को सिखाए गए, एक चरण के बाद दूसरा चरण, दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण, जैसे जैसे बच्चा एक चरण सीखता है और दूसरे चरण की तरफ बढ़ता है, तो प्रवाह के साथ में इसमें क्या होगा, बच्चे को सीखने में क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। बच्चे को सीखने में क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये आपका प्रवाह कहलाएगा, आपका फ्लुएंसी कहलाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सामान्यीकरण की। नाम से ही स्पष्ट है, सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। बच्चे को जिस कार्य में हमने निपुण किया है वो अपने वास्तविक वातावरण से अगर दूसरे वातावरण में जाता है, जिस वातावरण में हमने बच्चे को उस कार्य में निपुण किया है, अगर वहाँ से वो दूसरे वातावरण में जा रहा है, जो भी चीज़ें हमने बच्चे को सिखाई हैं, वहाँ पर जा कर के वह उस चीज़ को पहचान ले, वह उस चीज़ को पहचान ले। मान लीजिए कि हमने विद्यालय में बच्चे को एप्पल के बारे में सिखाया, ठीक है, सेब के बारे में सिखाया, और बच्चा बाहर गया, जब मार्केट गया मम्मी के साथ में, मार्केट गया किसके साथ में, मम्मी के साथ में, तो क्या हुआ, बच्चे ने वहाँ पर भी सेब को पहचान लिया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सामान्यीकरण कहलाएगा, जनरलाइजेशन कहलाएगा। जो भी कार्य कौशल बच्चे को गतिविधियाँ सिखाई गई हैं, उन कौशल को बच्चा रख रखाव करके बाहर की जीवन में भी चीज़ों को पहचान ले, चाहे वो बच्चे का जोड़ घटाना संबंधित कुछ हो, या बच्चे की क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित कुछ हो, या रंग, है ना, कुछ भी हो, बच्चा वहाँ पर जाकर के चीज़ों को पहचान ले, सामान्यीकरण कर ले, जनरलाइजेशन कर ले। तो ये आपके कहलाएंगे सीखने के चरण, और चार चरण आपके सीखने के इम्पॉर्टेंट हैं, स्टार बना करके याद कीजिएगा। इसके बाद में दूसरी चीज़ हम लोग बात कर रहे थे जिसका नाम था भैया क्या, तो आपको कि सर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग 1.2 में ये आपका दिया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हम जिसमें बात करते हैं, आप कहोगे
शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत में हम लोग बात करते हैं ठोस की, यानी कि कॉन्क्रीट की, आइकॉनिक की बात करते हैं, कॉन्क्रीट, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं, कॉन्क्रीट, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो ये तीन चीज़ें, यानी कि ये जो आपकी कॉन्क्रीट, आइकॉनिक और सिंबॉलिक हैं, तो इनमें आपका हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से आपका, चाहे वो आपका कॉन्क्रीट हो, जिसको हम लोग ठोस के नाम से जानते हैं, कहते हैं कॉन्क्रीट यानी कि ठोस। तो कहते हैं ठोस में क्या होगा, हम तीनों पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, आपका कॉन्क्रीट हो गया, उसके बाद में प्रतिष्ठित हो गया जिसको हम लोग आइकॉनिक बोलते हैं, और आपका सिंबॉलिक हो गया यानी कि प्रतीकात्मक, सिंबल्स, प्रतीकात्मक। तो हम लिख लेंगे कॉन्क्रीट, आइकॉनिक और आपका सिंबॉलिक। तो अगर इनकी हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस की यानी कि कॉन्क्रीट की। तो कहेंगे कि जो भी बच्चों को सिखाने के लिए ठोस अनुभव होंगे, जैसे मूर्त चीज़ें, हम कह सकते हैं कि वास्तविक, वास्तविक दुनिया के उदाहरण जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, वास्तविक दुनिया के उदाहरण जो हैं वो ठोस में शामिल होंगे या कॉन्क्रीट में शामिल होंगे। इस चरण में छात्र अवधारणाओं के साथ बातचीत करने के लिए भौतिक वस्तुओं, या हम कह सकते हैं जोड़ तोड़ का उपयोग करता है। ठोस चरण छात्रों को नई जानकारी और उसके पूर्व ज्ञान और अनुभवों को जोड़कर नई समझ को विकसित करने में मदद करता है, और सीखने की जो शैलियाँ हैं इसके अंतर्गत विस्तृत श्रृंखला को पूरा करता है, सक्रिय जुड़ाव को अनुमति देता है, जिससे अवधारणाएं अधिक सुलभ और प्रासंगिक बन जाएं। तो ये आपका क्या होगा, ठोस के अंतर्गत आता है। आइकॉनिक के अंतर्गत या प्रतिष्ठित के अंतर्गत, इसमें हम कहेंगे जो भी ठोस वस्तुएं हैं या अनुभव हैं, इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो वो आपका आइकॉनिक करेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि चित्र हुए, छात्रों के लिए चित्र हुए, आरेख हुए, चार्ट हुए, कोई भी दृश्य सामग्री हुई, तो इनके ठोस अनुभवों को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से जोड़ने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। जो भी इनके ठोस अनुभव हैं, इनको कहाँ पर प्रतीकात्मक अनुभव से जोड़ने में क्या मिलती है, मदद मिलती है आइकॉनिक के द्वारा। इसमें जो भी आइकॉनिक है या प्रतिष्ठित है, इसमें जटिल विचारों को सरल बनाने में, उसको समझने में, मूर्त से अमूर्त ज्ञान की प्राप्ति करने में आपका कौन काम करेगा, आपका आइकॉनिक काम करेगा। इसके बाद में सिंबॉलिक की अगर बात करते हैं, या इसको हम लोग प्रतीकात्मक कहते हैं, तो इस चरण में अक्षरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संख्याओं, अक्षरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संख्याओं, समीकरणों और जो भी गणितीय प्रतिक्रियाएं हैं, अमूर्त प्रतिक्रियाएं हैं, उनको शामिल किया जाएगा। इस स्तर में ठोस वस्तुएं या दृश्यों पर भरोसा किए बिना स्वतंत्र रूप से प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व पर काम किया जाएगा। ठोस पर कोई भरोसा नहीं, किस पर काम किया जाएगा, प्रतीकात्मक सोच पर काम किया जाएगा। इसमें सिंबॉलिक सोच पर काम किया जाएगा, इससे बच्चा समस्या समाधान, संज्ञानात्मक कौशल, इन सभी चीज़ों में बच्चे की वृद्धि हो सकती है। ये सिद्धांत जो हैं, जटिल अवधारणाओं को पढ़ाते समय, जो जब जटिल अवधारणाएं पढ़ाई जाएंगी वहाँ पर ये काम आएंगे, जिससे कि शिक्षक छात्रों की समझ को मजबूत कर सकेगा और सुनिश्चित कर सकेगा कि मूर्त ज्ञान से अमूर्त ज्ञान में, वास्तविक चीज़ों से हमारी सोच पर
उसकी सामग्री को आगे बढ़ाना और उसको मजबूत आधार प्रदान किया जाना। तो ये चीज़ें आपको कह सकते हैं कि आपके सिंबॉलिक के अंतर्गत आएंगी। और अगर बच्चों को हमें पढ़ाना है तो हम लोग इन तरीक़ों से ही पढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं सरल से कठिन की ओर, ठोस से मूर्त से अमूर्त की ओर। तो अगर ऐसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं तभी बच्चा बेहतर सीखता है। और जो ये कौशल हम बच्चे को इन कौशलों के माध्यम से बच्चे को सिखा रहे हैं तो ये आपका CIS मॉडल कहलाता है। CIS यानी कि कॉन्क्रीट आइकॉनिक सिंबॉलिक, ये आपका मॉडल कहलाता है, जिसमें अवधारणाओं को ठोस रूप से शुरू किया जाता है और धीरे धीरे कह सकते हैं चित्र और आरेख की ओर बढ़ते हुए बच्चे को अमूर्त अवधारणाओं की ओर ले जाया जाता है। यहाँ से हमने ठोस से शुरू किया, चित्र की ओर ले गए और अमूर्त अवधारणाओं की ओर हमने आगे बढ़ाया, उनके प्रतीकों को बेहतर बनाया, समस्या समाधान कौशल जो है वो बेहतर बनाया और अन्य विषयों में इसको लागू किया गया। तो ये चीज़ें आपको 1.2 में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में देखने को मिलेंगी, जहाँ पर कॉन्क्रीट आइकॉनिक और सिंबॉलिक ये तीन चीज़ें। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपका जो यूनिट है, यूनिट 1.3। यूनिट 1.3 में क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर भी ये भी यूनिट आपकी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात होती है भैया टीचिंग मेथड्स की। किसकी बात होगी होती है? टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड्स में हम कह सकते हैं पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने के तरीके। पढ़ाने के लिए तरीके कौन कौन से होंगे बच्चे को? तो हम कहेंगे सर पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड्स में सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी आपका रीइन्फोर्समेंट हुआ, या हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत बच्चे के लिए प्लेवे मेथड का प्रयोग किया गया, इसके अंतर्गत बच्चे के लिए कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड हुआ, प्लेवे मेथड हुआ, हाँ यही लगभग दो आपके। और हाँ, प्लेवे मेथड हुआ, प्रोजेक्ट मेथड हुआ और आपका मॉन्टेसरी मेथड हुआ, ये तीन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें कह सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्टेसरी पद्धति की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉन्टेसरी पद्धति की। मॉन्टेसरी पद्धति की तो ये पद्धति किसने दी? तो आप कहोगे सर ये पद्धति जो दी वो मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी ने दी। कहाँ की भैया? इटली की निवासी। इटली में इनका कहा क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और जो ये हमारे बच्चे श्रवण बाधित, बौद्धिक अक्षम और शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे थे, इनको पढ़ाने के लिए इन्होंने बताया कि हम इनको कैसे पढ़ा सकते हैं। हम इनको पढ़ा सकते हैं इन बच्चों को गामक कौशलों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और भाषा के द्वारा। मुख्य बात इन्होंने ज्ञानेंद्रियों की बताई, यानी कि इन्होंने कहा मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी ने कि बच्चे को हम अगर ज्ञानेंद्रिय शिक्षा देते हैं, अगर हम लोग बच्चे को विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल, अगर हम लोग बच्चे को जो बच्चे की ज्ञानेंद्री हैं, चाहे वो स्पर्श इंद्री हो, चाहे वो आपकी देखने से संबंधित, या हम कह सकते हैं आँख की या विजुअल इंद्री हो, आँख हो, या कह सकते हैं सुनने का कौशल हो, या स्वाद जिससे हम लोग अपना नमक चीनी इस सब का स्वाद लेते हैं, चार इंद्रियां ये आपकी हो गई, पांचवी इंद्री आपकी गंध जिससे हम लोग स्मेल पहचानते हैं। तो इन्होंने मोस्टली इन्होंने बताया ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। बाकी इन्होंने जोर दिया गामक कौशलों पर भी जोर दिया, इन्होंने जोर दिया भाषा की शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर इन्होंने दिया
मैडम मारिया मोंटेसोरी जी ने, जो कि ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर जोर दिया। ये ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा बच्चे के अनुभव को बढ़ाती है, बच्चे के अनुभव को बढ़ाती हैं। अगर बच्चा छोटा है तो उसके कौशलों को भी, उसके विचारों को भी किसके द्वारा, मोंटेसोरी जी ने, मैडम मारिया मोंटेसोरी जी ने इंद्रियों की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया। कहा अगर बच्चा स्पर्श करके, यानी कि टेक्टाइल का प्रयोग करके, स्पर्श करके, मान लीजिए खुरदरा है, चिकना है, कह सकते हैं कि कोमल है, इन चीज़ों का प्रयोग करके अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बेहतर सीख सकता है। ऐसे ही विजुअल बताया, यानी कि आपकी चक्षु इंद्री बताई, या हम कह सकते हैं नेत्र के बारे में बताया। तो इन्होंने कहा नेत्र, यानी कि बच्चे के लिए नेत्र जो है उसका एक अभिन्न अंग है, जिससे बच्चा रंगों को पहचान सकता है, किसी भी चीज़ को देख करके भली भांति पहचान सकता है। हम उसको विजुअल चीज़ों का प्रयोग अगर करके सिखा रहे हैं तो बेहतर रूप से सीखेगा। ऐसे ही ऑडिटरी, यानी कि श्रवण की बात की जाएगी, सुनने की बात की जाएगी, तो कहेंगे कि बच्चे को श्रवण या सुनने के माध्यम से अगर बच्चे को सिखाया जा रहा है तो कह सकते हैं कि बच्चे को ताली बजा करके, ड्रम बजा करके, बेल बजा करके, या किसी भी गाने की ध्वनि को सुना करके हम उसकी इंद्री को सक्रिय कर सकते हैं। ऐसे ही स्वाद इंद्री, जो कि आपकी जीभ के द्वारा आती है स्वाद इंद्री, तो हम इसमें भी कहेंगे नमक, खटाई, चीनी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके स्वाद इंद्री के अंतर्गत आ जाएंगी। और लास्ट आपकी आएगी, जो कि आप कहोगे सर गंध या नाक के द्वारा हम क्या करते हैं, सूंघते हैं, या गंध इंद्री की जहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि स्मेल अच्छी है या ख़राब है, और कह सकते हैं कि इसमें द्रव है, भरा हुआ जो द्रव है वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग गंध इंद्री के माध्यम से पहचान सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने, अब हम जो इन्होंने गामक क्षमता पर बात की, तो इन्होंने कहा कि बच्चे को हम जब गामक अक्षमता की बात करते हैं तो बच्चे को हम लोग गामक अक्षमता के द्वारा, गामक कौशलों के द्वारा, अगर बच्चा 3 से 7 वर्ष का है तो बच्चे को हम लोग गामक अक्षमता प्लस ज्ञान इंद्री समस्त रूप से बच्चे को हम लोग कार्य करना सिखा सकते हैं इन दोनों के द्वारा। और भाषा कैसी दी जानी चाहिए, भाषा देनी चाहिए उससे संबंधित, जहाँ पर बच्चा अपने वातावरण में रह करके ठोस चीज़ों को पहचान सके, लिखना पढ़ना आसानी से कर सके। तो ये चीज़ें आपको मैडम मारिया मोंटेसोरी जी ने बताई मोंटेसोरी पद्धति में। इसका महत्व तो क्या है, कहते हैं कि इसका महत्व तो क्या होगा, इसका महत्व तो क्या होगा, तो व्यक्तिगत विभिन्नता, बच्चे में जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं, अलग अलग सीखने के कौशल हैं, उनमें महत्वपूर्ण रूप से बच्चा सीख सकेगा। कह सकेंगे कि भाषा शिक्षण जो है वो बेहतर होगा, उसके लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी, भाषा शिक्षण होगी। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी तो बच्चा बेहतर रूप से सीखेगा, और शिक्षक के साथ में एक मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा, बच्चा स्वयं से सीखेगा, स्वयं से सीखने में बच्चे को महत्व मिलेगा। तो ये आपका मैडम मारिया मोंटेसोरी जी का मोंटेसोरी पद्धति थी, वो आपको बताई गई। अब हम बात करते हैं आपके दूसरी पद्धति की, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। तो कहेंगे प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, तो कहेंगे सर प्रोजेक्ट मेथड के लिए जो सामान्य तौर पर इनका श्रेय जो जाता है वो जाता है भैया प्रोफेसर जॉन डीवी को, प्रोफेसर जॉन डीवी को, और उनके शिष्य कौन, उनके शिष्य किलपैट्रिक को, इसका श्रेय किसको जाता है, जॉन डीवी को और किलपैट्रिक को। इन्होंने, जॉन डीवी ने प्रयोजनावाद के सिद्धांत पर आधारित
जो भी निश्चित योगदान आधार दिया वो इनके द्वारा दिया गया। और ये भैया अमेरिका में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसके शिक्षा शास्त्री रहे थे, तो इनके द्वारा प्रोजेक्ट मेथड दिया गया, जहाँ पर कहा गया कि अगर बच्चे को हम प्रोजेक्ट के द्वारा सामाजिक वातावरण में प्रोजेक्ट के द्वारा अगर हम कार्य कराएं, यानी कि किलपैट्रिक ने इसकी परिभाषा में क्या कहा, इसकी परिभाषा में किलपैट्रिक ने क्या कहा, कहा कि एक परियोजना पद्धति एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने के लिए उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। यानी कि जो भी परियोजना विधि बच्चे को कराई जा रही है, जो भी प्रोजेक्ट विधि बच्चे को कराई जा रही है सामाजिक वातावरण में, उसका उद्देश्यपूर्ण गतिविधि किसको माना गया, परियोजना विधि को माना गया सामाजिक वातावरण में बच्चे के बढ़ने की उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। जहाँ पर परियोजना विधि में पांच चीज़ों का चयन किया जाता है, पांच चीज़ों का, जिसमें सबसे पहले परियोजना का चयन किया जाएगा, प्रोजेक्ट का चयन किया जाएगा कि आखिरकार हमें क्या बनाना है, क्या करना है। उस प्रोजेक्ट के लिए भैया एक उचित योजना बनाई जाएगी कि हमको कैसे उस प्रोजेक्ट को संचालित करना है। उसके बाद में उस प्रोजेक्ट का निष्पादन किया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा, उसके बाद में उस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाएगा कि आखिरकार हमने जो प्रोजेक्ट बनाना था उसको हमने कितने बेहतर ढंग से बनाया, और उसके बाद में भैया उसका रिकॉर्डिंग की जाएगी, यानी कि रिकॉर्ड रखा जाएगा कि हमने पहली बार बनाया था प्रोजेक्ट, दूसरी बार, तीसरी बार, तो किस हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट है जो वो बन पाया। यानी कि प्रोजेक्ट में चयन में हमें ऐसे कौशल या ऐसे प्रोजेक्ट की आवश्यकता होगी जो हमारे लिए उपयोगी हो, गतिविधि और व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, और इसमें जो भी रास्ते हैं शिक्षक उन्हें बेहतर मार्गदर्शन दे सके। इसके लिए योजना बनाई जाएगी, और उचित योजना बनाई जाएगी कि कैसे हम उस प्रोजेक्ट को कह सकते हैं मार्गदर्शन और योजना बना करके बेहतर कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, और योजना संबंधित जो समस्याएं हैं इनमें कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं, इसका क्रियान्वयन किया जाएगा या निष्पादन किया जाएगा, मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी कि कितना कितना योजना बनाई गई थी, तो कितना कर्तव्य या कितनी निश्चित रूप से हमें चीज़ें प्राप्त हुई। प्रोजेक्ट विधि के गुण क्या होंगे, प्रोजेक्ट विधि के क्या गुण होंगे, तो कहेंगे प्रोजेक्ट विधि के द्वारा बच्चा करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर कार्य करता है, लर्निंग बाय डूइंग पर कार्य करता है, बच्चा करके सीखता है क्योंकि उसी ने परियोजना बनाई, उसी ने उसका योजना बनाई, और उसके बाद में उसी ने बच्चे ने उसको निष्पादित किया और मूल्यांकन लास्ट में किया गया, तो क्या हुआ कि बच्चे करके सीख रहे हैं, स्वयं से गतिविधि शामिल कर रहे हैं, बच्चे की सोच, बच्चे की क्षमता और बच्चे की कौशल विकास जो है वो प्रत्यक्ष रूप से बेहतर बनेगा। इसके अंतर्गत जो भी कह सकते हैं कि बच्चे में एक दूसरे के प्रति भाईचारा उत्पन्न होगा, सहकारी और सामाजिक गुणों का विकास होगा, बच्चा अगर स्वयं से सीख रहा है, स्वयं से चीज़ों को व्यक्त कर रहा है, तो बच्चे को अवसर मिल सकेगा, बच्चे की एक नई सोच जो है वो विकसित होगी, आलोचनात्मक नई सोच विकसित होगी, तो ये आपका प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आया। अब अगर हम लोग बात करें तो आपका बहुसंवेदी अप्रोच, जिसकी हम लोग बात करते हैं बहुसंवेदी अप्रोच की, मल्टी सेंसरी अप्रोच की, बहुसंवेदी अप्रोच, बहुसंवेदी उपागम, बहुसंवेदी उपागम, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बच्चे को चीज़ों को सुना करके, दिखा करके, इन सभी चीज़ों से बच्चे को हम लोग कह सकते हैं, अभी जैसे कि मैंने आपको मॉन्टेसोरी पद्धति पढ़ाई थी, उसमें आप लोगों ने विजुअल देखा, ऑडिटरी देखा, कैनेस्थेटिक भी विजुअल देखा, ऑडिटरी देखा, टेक्टाइल देखा, और आपने कह सकते हैं कि स्वाद के द्वारा
चीज़ों को और गंध के द्वारा, इन सभी चीज़ों के द्वारा आपने अपनी इंद्रियों के द्वारा जो आपको गतिविधि करनी थी या जो भी आपको शैलियाँ सीखनी थी उनमें आपने इनका प्रयोग किया। तो इसमें भी कहा गया कि मानव के संकेतों को संसाधित करने के लिए, उनका विकास करने के लिए बहुसंवेदी उपागम का प्रयोग किया जाए, जहाँ पर बच्चे की सभी इंद्रियाँ जो हैं वो काम करें और बच्चे को मल्टी सेंसरी सभी, अभी कहते हैं ना कि बच्चे को हम लोग विजुअल और ऑडिटरी करके सिखाएं, अगर बच्चे को देख करके और बच्चे को सुना करके सिखाएं, यानी कि बच्चे को अगर हम इन सभी क्रियाओं के माध्यम से, दृश्य श्रव्य और कैनेस्थेटिक, इन सभी क्रियाओं के माध्यम से चीज़ों को सिखाते हैं तो क्या होगा कि बच्चा बेहतर रूप से सुरक्षित कौशल को सीख पाएगा और डिज़ाइन कर पाएगा। ये आपका बहुसंवेदी अप्रोच था। इसके बाद में आपका प्लेवे मेथड आता है। प्लेवे मेथड या हम कह सकते हैं खेल विधि, प्लेवे मेथड या आपकी खेल विधि। तो प्लेवे मेथड या खेल विधि में इसमें सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाएगा? प्राथमिक स्तर पर खेल को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और प्लेवे मेथड किसने दिया था आप बताओगे? सर प्लेवे मेथड जो था वो हेनरी कार्डवेल कुक ने जो था वो प्लेवे मेथड दिया था। इन्होंने खेल को ही सर्वश्रेष्ठ माना। बच्चे को खेल खेल में आसानी से सिखाया जा सकता है और उसके उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इससे बच्चे का शारीरिक, सामाजिक, बच्चे का संज्ञानात्मक, या आप कह सकते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, इससे बच्चे का क्या होगा? सर्वांगीण विकास होगा, बच्चे का होल चाइल्ड डेवलपमेंट होगा। इसमें जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए गतिविधि कराना, बच्चे को व्यस्त रखना, इसमें मदद मिल सकती है। बच्चे के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के तरीके, इनमें मदद दे सकते हैं। और अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार बच्चे को समान क्रिया करा करके उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता की, कार्यात्मक नियोजन की, इनकी सबकी हम पूर्ति कर सकते हैं और विशेष रूप से बच्चे को हम बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, और वो भी आपका यूनिट वन, यहाँ पर भैया आपका मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, यूनिट वन आपका ऐसे ऐसे जितनी बार आप स्टार, पांच बार स्टार बनाओ तो पांच बार स्टार बना लो। यूनिट वन आपको कम से कम यूनिट वन से अगर देखने को मिलेगा तो कम से कम आपको यूनिट वन से ही 10 से 12 नंबर का आपको यूनिट वन से ही देखने को मिल सकता है। उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 10 से 12 नंबर आपको यूनिट वन से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, यूनिट आपका यही अभी चल रहा है, 1.3 ही चल रहा है, तो 1.3 में ही आपका एक और चीज़ें पूछी गई हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज। और ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग रहती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज। यानी कि शिक्षण की रणनीतियाँ क्या हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, या शिक्षण की रणनीतियाँ क्या हैं। जब भी टीचिंग स्ट्रेटजीज की बात होगी तो हम कहेंगे ये आपकी शिक्षण की रणनीतियाँ, जिसके अंतर्गत आपका आएगा टास्क एनालिसिस, जिसको आप लोग कहते हो कार्य विश्लेषण। और दो नंबर में कार्य विश्लेषण भैया आपसे बहुत बार पूछा गया है, अभी याद करा दूंगा, ऐसा याद करा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं। टास्क एनालिसिस यानी कि कार्य विश्लेषण। इसके बाद में आपका आता है प्रोत्साहन। इसके बाद आपका आता है कह सकते हैं शेपिंग।
इसके बाद में आपका आता है चेनिंग, शेपिंग, चेनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और आपका मॉडलिंग भी देखने को मिलता है। शेपिंग, चेनिंग, मॉडलिंग और आपका कह सकते हैं कि प्रॉम्प्टिंग यानी कि प्रोत्साहन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, टास्क एनालिसिस है। तो हम बात करते हैं कार्य विश्लेषण या टास्क एनालिसिस की। तो जब भी हम टास्क एनालिसिस कहते हैं तो कहते हैं कि कार्य कौशल को, देखिएगा कार्य कौशल को, जो भी कार्य कौशल हम बच्चे को करा रहे हैं उस कार्य कौशल को क्या करना है, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में क्या करना है, तोड़ना है, छोटे छोटे भागों में तोड़ना है और उसे क्या करना है, एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से लगाना है, व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। तो ये आपका क्या कहलाता है, कार्य विश्लेषण कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर कार्य विश्लेषण की एक परिभाषा भी मैं आपको बता दूँ, मैकार्थी जी ने एक परिभाषा दी थी कार्य विश्लेषण की, और ये मुझे बहुत दिनों से याद है, 1987 में ये परिभाषा दी गई। कहा, कार्य विश्लेषण एक शिक्षण रणनीति है जिसमें कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है या तोड़ा जाता है और उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। सेवा के अनुसार एक परिभाषा, सेवा के अनुसार 1988 की परिभाषा, कहा गया कार्य विश्लेषण जो है वो बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, सर्वश्रेष्ठ तरीका है आपका कार्य विश्लेषण बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने का, बौद्धिक अक्षम बच्चों को सिखाने के लिए, चाहे हम बच्चे को उनके कोई भी कौशल सिखा रहे हों, जूता पहनना हो, कपड़े पहनना हो, तो इन सभी कौशलों को सिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कार्य विश्लेषण का प्रयोग करते हैं, जिसमें किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और उसे क्या किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाता है, यह आपका कार्य विश्लेषण कहलाता है। अब आप नहीं भूलोगे, मुझे पता है। इसके बाद में कार्य विश्लेषण में होता क्या है कि बच्चा अवलोकन करके सीखता है, क्रिया में बच्चा विचार करता है, स्वयं करके सीखता है, और बच्चा धीमी गति से सीखता है, लेकिन बच्चा जब सीख जाता है तो बच्चा बेहतर सीख जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं चेनिंग की, इसकी बात करते हैं, चेनिंग की बात करते हैं, यानी कि चेनिंग में आपका एक आता है फॉरवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड, और एक आपका आता है बैकवर्ड। तो चेनिंग श्रृंखलाकरण के द्वारा लक्ष्य व्यवहार को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया, जिसमें फॉरवर्ड चेनिंग, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण को पहले और अंतिम चरण को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाएगा, जब प्रथम चरण से उसको पहले किया जाएगा और अंतिम चरण जो है उसको बाद में किया जाएगा। और भैया ये बहुत ज़रूरी है, क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी है, सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी अगर मान लीजिए पहले मोजा निकालना है तो पहले बच्चे का हम हाथ एड़ी तक ले जाएंगे, पंजे कह सकते हैं मोजे को पंजे के नीचे लाएंगे, उसके बाद में जो भी अंगूठे या मोजे के जो भी उंगलियां हैं उनको हम लोग तक ले जाएंगे, और क्या होगा कि मोजे को एक दो तीन करके हम लोग अंगूठे से बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही बैकवर्ड में क्या होगा, सबसे पहले मोजे को अंगूठे से बाहर निकालेंगे, फिर पंजे को वहाँ पर लाएंगे, फिर एड़ी को निकालेंगे, और उसके बाद में आपको मोजे को क्या होगा कि उसको पहन लेंगे, या उसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो अंतिम चरण होगा बैकवर्ड में, जो अंतिम चरण होगा वो पहले होगा, फॉरवर्ड में जो पहले का चरण होगा वो पहले होगा, और अंतिम चरण क्या होगा, बाद में होगा, सीक्वेंस में लगाया जाएगा इसको। ऐसे ही आपका शेपिंग आता है, शेपिंग में हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो लक्ष्य या जो चरण बांटा गया है उसमें लगभग लक्ष्य की ओर अग्रसर बच्चे को किया जाएगा, इसके लिए बच्चे को पुनर्बलन भी प्रदान किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि
व्यवहार का चयन करना, वर्तमान बच्चे के वर्तमान रूप से उसे प्रदर्शित करना और सशक्त प्रभावी पुरस्कार का चयन करना, आरंभिक व्यवहार और पुनर्वास प्रदान करना, प्रत्येक व्यवहार के बारे में कह सकते हैं कि सबलन और लक्ष्य की ओर बच्चे को निर्धारित करना, यानी कि शेपिंग का कार्य क्या होता है, लक्ष्य व्यवहार से मिलता जुलता व्यवहार आपका शेपिंग के अंतर्गत आता है। हम बात कर लेते हैं मॉडलिंग की। मॉडलिंग में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को हम लोग मॉडलिंग के द्वारा, शारीरिक सहायता के द्वारा, जैसे हम लोग बच्चे को अगर पीटी करा रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को हो सकता है बच्चा हाथ ना उठा पा रहा हो, हाथ ऊपर ना ले जा पा रहा हो, तो बच्चे को हम लोग शारीरिक सहायता देते हैं, बच्चे को शाब्दिक और मौखिक सहायता भी देते हैं, बच्चे को हम लोग करके भी दिखाते हैं, यानी कि सांकेतिक सहायता भी देते हैं। मॉडलिंग के द्वारा बच्चे को हम स्वयं करके बताते हैं और बच्चा हमारे पीछे पीछे चीज़ों का अनुसरण करता है। इसके बाद में बच्चे को हम लोग क्या देते हैं, प्रॉम्प्टिंग भी देते हैं, यानी कि बच्चे को सहायता भी देते हैं मॉडलिंग के ही अंतर्गत, है ना। तो ये सारी सहायताएं आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद में बच्चे के लिए सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि किसी भी दूसरी स्थिति में बच्चा जा रहा है तो उस चीज़ को पहचानना, सीख ले रहा है बच्चा, कर रहा है तो क्या होगा, लक्ष्य व्यवहार की तकनीक जो है वो बच्चे की बेहतर होगी। विद्यालय में जो भी कह सकते हैं कि जो भी विद्यालय है उससे बाहर भी, रेलवे स्टेशन, दुकान, ऑफिस, यहाँ पर भी जाकर के चीज़ों को पहचान सके, कृत्रिम रूप से बच्चा बेहतर बन सके। तो यहाँ पर आपका 1.3 जो था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करते हैं 1.4 की, और इसको भी भैया यूनिट 1 में सारे के सारे टॉपिक 1.1 से लेकर के 1.1 से लेकर के 1.5 सभी को ऐसे ऐसे करके इम्पॉर्टेंट बना लो। मैंने बताया 10 से 12 नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं, 10 से 12 नंबर, कम से कम 10 से 12 नंबर। बात करते हैं TLM की, TLM जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपसे हो सकता है पूछ दे, तो हम लोग कहेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ दे ICT, तो आप लोग क्या कहोगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो आपका TLM क्या है इस पर बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा ही क्या किया जाता है, जो शिक्षण कार्य है उसको आसान बनाया जाता है। जो भी सहायक शिक्षण तकनीकियां बनाई जा रही हैं उसमें कह सकते हैं, अगर दृश्य सहायता की बात करें तो ब्लैक बोर्ड, मॉडल, चित्र, स्लाइड, इनके द्वारा। अगर श्रव्य की बात करें तो फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, ऑडियो कैसेट, ऐसे ही बात करें अगर ऑडियो एड्स की तो हम लोग टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो, ऐसे ही हम लोग अगर बात कर लें पुस्तकों की तो संग्रहालय भी हो सकता है, बगीचा भी हो सकता है, मेला भी हो सकता है, रसोई भी हो सकती है। इनके द्वारा, इन सभी शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा बच्चे के हम कौशलों को बेहतर कर सकते हैं, उनके पाठ्यक्रम में हम इन सभी चीज़ों को लाएंगे तो बच्चा बेहतर सीखेगा और बेहतर सामग्री को विकसित किया जा सकता है। इससे बच्चा अपने स्तर और आयु के अनुसार सीख सकता है। अगर हम किसी भी बच्चे के लिए TLM का चयन कर रहे हों तो भैया उसके स्तर और आयु के अनुसार करें। मानसिक मंदित जो हमारे बच्चे हैं उनको आसानी से हम चीज़ों को सिखा सकते हैं TLM के द्वारा। जो भी संसाधन है उसको हम लोग आकर्षित बना सकते हैं, रंगीन बना सकते हैं, भाषा विकास बेहतर कर सकते हैं, पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ों का विकास कर सकते हैं। कह सकते हैं कि TLM के द्वारा ही एक बेहतर कह सकते हैं कि क्रिया योजना बनाना, उसका कार्यान्वयन किया जा सकता है। बच्चा शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा सीख सकता है
और अपने सीखे हुए ज्ञान को ज़्यादा दिनों तक रख सकता है। इसके लिए शिक्षण सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग किया जाता है, TLM का आपका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ICT की, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की। तो ICT क्या है? हम लोग कहते हैं ICT सामाजिक विभाजन को महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है, जहाँ पर बच्चे के लिए चाहे वो कोई भी शिक्षा हो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा बच्चे को हम लोग डिजिटल साक्षरता प्रदान कर सकते हैं। लैपटॉप हुआ, बच्चे के लिए प्रोजेक्टर हुआ, टैबलेट हुआ, वाइट बोर्ड हुआ, छवियों की गतिविधियाँ हुई, स्मार्टफोन हुआ, बोर्ड हुआ, या क्विज के माध्यम से क्लासरूम में बच्चे को इंटरैक्टिव लर्निंग करा सकते हैं। बच्चे को सीखने का एक बेहतर तरीका हम लोग उपयोग कर सकते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा, जहाँ पर जो तकनीकियाँ होंगी वो वैज्ञानिक ढंग से बेहतर बनाई गई होंगी। इसका प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और बच्चे की सांस्कृतिक मामलों से के साथ में सामाजिक जुड़ाव में भी हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ICT के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पर डिजिटल साक्षरता की बात होती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपके यूनिट 1.5 की, जहाँ पर बात कर रहा है मूल्यांकन की। जहाँ पर किसकी बात कर रहा है? मूल्यांकन की बात कर रहा है, इवैल्यूएशन की बात कर रहा है। मूल्यांकन क्या है? तो कहेंगे मूल्यांकन के अंतर्गत आपका CCE आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं? बच्चे की प्रगति का पता चलता है, प्रगति की निगरानी बच्चे की कर पाते हैं, और उसका हम लोग क्या कर पाते हैं? दस्तावेजीकरण कर पाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर पाते हैं। मूल्यांकन में हम यही तो करते हैं कि हमने जो भी पाठ्यक्रम एक वर्ष के दौरान कराया या एक महीने के दौरान कराया या एक पाठ बच्चे को पढ़ाया, तो उसकी हम लोग क्या करते हैं? बच्चे की इवेल्यूएशन करते हैं। कुछ जगह पर क्या होता है कि बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूएशन किया जाता है। इस कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूएशन में बच्चे का विकास, उसकी समझ, समय समय पर उसका परीक्षण और आकलन किया जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चा कितना सीख रहा है उसका हमें तुरंत पता चल सकेगा, जिससे बच्चे का हम लोग संज्ञानात्मक, भावात्मक इन सभी कौशलों का जो है विकास कर सकेंगे। इसके लिए जो भी शैक्षिक पहलू हैं वो शामिल किए जाएंगे। बच्चे के लिए लिखित और मौखिक कौशल जो हैं उन गतिविधियों को बेहतर बनाया जाएगा, उन जीवन कौशलों को बेहतर बनाया जाएगा। बच्चे के लिए निरंतर कॉन्टिन्यूस मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे की ताकत का पता चल सके। इनकी रणनीतियों के लिए जो भी उनके प्रदर्शन है, भय, चिंता, इस पर भी बात की जाएगी। CCE में परीक्षाओं के संचालन, सीखने पर परीक्षण, अधिक ध्यान इन पर कार्य किया जाएगा। शिक्षार्थियों के समग्र विकास, इसका योगदान दिया जाएगा, और बच्चे का तर्क, भावनात्मक संयोजन कौशल जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। उसकी रुचियों और व्यक्तियों के जो व्यक्तित्व है उसका विकास किया जाएगा। छात्र के सीखने का जो अनुकूलन है, बच्चों के अनुकूलन को बढ़ावा मिलेगा। हम देख सकते हैं या कह सकते हैं कि जो भी संयोजित कौशल है भविष्य में जीवन के लिए उनके उपकरण है वो तैयार किए जाएंगे। बच्चों की रुचियां और उनके व्यक्तित्व विकास में हम इसका योगदान ला सकते हैं। इसके लिए जब हम ये सब करेंगे तो यहाँ पर भैया जो भी प्रगति है उसका भी निर्धारण हो सकेगा कि बच्चे में प्रगति कितनी हो रही है, और जो प्रगति हो रही है उसका हम लोग दस्तावेजीकरण भी कर सकेंगे, उसका हम लोग रखरखाव भी कर सकेंगे कि आखिरकार कितनी प्रगति हुई, बच्चा कितने दिनों के अंदर कितना सीखा। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 1.5 में आती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा,
और क्योंकि आप सभी ने भैया 2 अक्टूबर तक अपना 50K तो नहीं पूरा किया, कोई बात नहीं, कभी तो पूरा ही होगा। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन और सभी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।